गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, और आज की संडे की एडवेंचरस राइड का मैं डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। और ये एक वाटरफॉल है जो काफ़ी अच्छा है। अभी फ़िलहाल पानी बहुत कम है इस पर फिर भी बहुत है, तो समझो कि जब ज़्यादा पानी होगा तो कैसा होता होगा। बी रेडी गाइस, अब मैं आपको वाटरफॉल दिखाऊंगा। ये वडोदरा से अप्रॉक्स 220 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा समय नहीं लगे मुझे आने में, मैं बाइक से ही आई हूँ अपना, और मुझे अप्रॉक्स 4.5 घंटे लगे हैं, जिसमें से भी 1 घंटा मुझे मैंने सिर्फ पहाड़ों पे ही बिताया है, क्योंकि लास्ट के 40 से 50 किलोमीटर सिर्फ पहाड़ ही है, सर सर्कुलर रास्ता। ये पीछे जो है वाटरफॉल, ये बारदेया वाटरफॉल्स है। अभी पानी बहुत कम है, ये पूरा पोर्सन है, यहाँ हर जगह से पानी गिरता है। अभी लोकल ने बताया जो अभी मछली पकड़ रहे थे। मैं एक बार इस पूरे एरिया का आपको 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ, फिर मैं चलूँगा। मेरे पीछे एक केव भी है, मैं उधर जाके देखता हूँ कुछ है। और ये अपना वाटरफॉल, ये पूरा अभी यहाँ से भी पानी आता है, यहाँ से जब भी मानसून थोड़ा कम हो चुका है, ये कुछ समय पहले आता तो हर जगह से पानी गिरता रहता, लेकिन अभी भी जो फ्लो है उसका आप आवाज़ से सुन सकते हो, करंट की स्पीड कितनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर फ्लो किस स्पीड से हो रहा है, जब वो पानी वहाँ से आ रहा है उसके बाद का फ्लो देखो आप। ये गेंडा वैली के आगे का एरिया है। मैंने गेंडा वैली जो गर्मियों के दिन में आया था उसका वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। अभी मानसून पे आया पर अभी भी बारिश कमी हुई है, वरना ये पूरा यहाँ तक कॉर्नर तक से पानी आता है, पूरा ओवरफ्लो रहता है। अभी मछुआरे ने बताया, देखो यहाँ से लोग मछली पकड़ रहे हैं। और ये नदी जो है ये आगे जाके सरदार सरोवर डैम में मिल जाएगी, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। मैं वो पॉइंट भी अभी जा रहा हूँ, वो पॉइंट भी कैप्चर करूँगा अभी। वो यहाँ से अप्रॉक्स 6 से 7 किलोमीटर है। एक्चुअल में हम लोग जो अभी ये लोकेशन है, ये बस सरदार सरोवर डैम के पीछे की साइड है। ये डिस्टेंस 220 किलोमीटर इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोगों ने पूरा घूम आना पड़ा, अदरवाइज डायरेक्टली ये अगर देखा जाए डायगोनली तो वडोदरा से बिल्कुल 100-110 किलोमीटर डायगोनली है, पर ट्रेन समय रोड से आना है इसलिए। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं वापस, पर उससे पहले ये नदी जो सरदार सरोवर डैम पे मिलती है, रिजर्वायर पे, पहले वहाँ चलेंगे। वो भी अप्रॉक्स यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। ये देखो एक गुफा यहाँ पे है, और ये है पास का लोकेशन। सो हम लोग वापस जा रहे हैं, ये थोड़ा सा पहाड़ उतरना पड़ता है यहाँ तक, फिर यहाँ नीचे के रास्ते से हमें जाना होगा वहाँ तक।
सो हे गाइस, अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ, ये इस साइड अपना सरदार सरोवर डैम स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये नर्मदा नदी है, कितना विशाल का है नदी। मैं एक बहुत अच्छी पॉइंट पे हूँ, देखो इधर गुजरात है अपना, उधर मध्य प्रदेश है, और ये नदी जो इधर से, ये महाराष्ट्र है, ये जंक्शन पॉइंट है यहाँ। मछुआरे फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस वडोदरा की ओर जा रहे हैं, और ये मैं ब्यूटीफुल सनसेट आपको दिखा रहा हूँ, इससे अच्छा सनसेट शायद ही होगा, ऑरेंज ऑरेंज सन, और ये पूरा अपना हिली एरिया, ये देखो दूर तक, दूर पे भी पहाड़ है, ऐसा नहीं कि उसके पीछे भी पहाड़ है, देखो मैं पूरा अभी पहाड़ों में ही रहूँगा अकेला। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, मैं वडोदरा पहुंचूंगा रात के अप्रॉक्स 11 बजे तक, पर आज का दिन काफ़ी एडवेंचरस रहा, मैंने तो बहुत मज़ा आया। वंस अगेन, दिस इज प्रेम।